क्या खास, क्या नया, क्या ताजा, क्या स्पेशल? आज कौन शुरुआत करना चाहेंगे? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अशोक जी? सर बढ़िया जी। आज सबसे पहले शुरुआत कौन करना चाहेंगे? आज का क्या खास चल रहा है, क्या स्पेशल चल रहा है, आपका एक्टिविटीज क्या चल रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे नहीं हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरिराम जी, क्या हाल है आपके? जी हरिराम जी, क्या चल रहा है? ठंड का मजा ले रहे हैं? जी जी, ठंड के मौसम का मजा ले रहे हैं, बढ़िया जी। क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है, कहाँ काम पर रुकावट आ रही है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम नहीं हो पा रहा है, कितने लोगों से बात हो पा रही है? तो सर कहीं नहीं आ रही है। हाँ जी, अभी थोड़ा सा देखो, संडे हो सकता है एक दो पॉलिसी और हो, वो तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, संडे को देखो मुझसे बात हुई थी। ओके, आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, और इसके अलावा? बस और तो सब ठीक है जी। और कोई साथी बता दो, ड्यूटी निकल जाते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। तो और कोई साथी बताना चाहेंगे क्या क्या हो रहा है? आप ड्यूटी निकलते हैं तो ड्यूटी के दौरान आपका किसी से बातचीत हो रहा है, इंश्योरेंस के लिए बातचीत हो पा रहा है? जब आप ड्यूटी के लिए निकलते नहीं, हैं तो सर नहीं हो पाती है। बढ़िया, सो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ रहा है। जब आप ड्यूटी के लिए निकलते हैं इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई दिक्कत आ रहा है, कोई ना कोई परेशानी आ रहा है, कोई ना कोई समस्या आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बात नहीं हो पा रही है। यदि वहां पर वो सब दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं, मुसीबतें नहीं आ रही होती, तो या तो हेजिटेशन नहीं हो रही, या तो नहीं लग रहा होता, या तो घबराहट नहीं हो रही होती, तो इसका मतलब आप वहां पर बात कर पाते। नहीं सर, सब तो वहां पर कुछ हो रहा है, भाग दौड़ होती है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाग दौड़ के अंदर ही बीमा होता है, जब भाग दौड़ होती है तो ही बीमा होता है। मैं आपको कल का एग्जाम्पल बताता हूँ, कल का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपने भागदौड़ बताया आया कि सब, तो ये जो भागदौड़ होती है ना, ये भागदौड़ अकेले हमारे दिमाग में होती है और कहीं नहीं होती है। आप यदि ये सोचेंगे कि लोग भागदौड़ में हैं, मैंने एक बार ये क्या किया, नेहरू प्लेस के अंदर 1988 का साल था, आज से कितने साल पहले हो गए, 33 साल पहले, तो कंपनी किसी टॉफी की कंपनी थी, उसको प्रमोट करना था, मतलब कंपनी ने बोल रखा था हम आपको फिक्स पर डे इतना देंगे, आपको लोगों को इसके बारे में बताना है, मतलब पैसा भी लेना है, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ दे देना है, तो पैसा भी लेना है। नेहरू प्लेस का मार्केट यदि आपने देखा है तो लोग ने क्या किया, वहां पे जितने भी लोग आजू बाजू में जा रहे थे सबको बोला टॉफी ले लो, टॉफी ले लो, टॉफी ले लो, सबने सारा सामान बिक गया। लोग जल्दी में हमेशा होते हैं। मैं आपको कल का एग्जाम्पल बता देता हूँ। कल एक आदमी, एक भाई साहब अंदर ही, वहां पे सबसे गुप्ता जी और नवीन जैन का टेबल लगा हुआ है, उन्होंने सबसे पहले अतुल गुप्ता जी के पास गए, भाई साहब मैं बहुत, मुझे बहुत दिक्कत हो गया, मुझे ये प्रीमियम जमा करना है, मेरे को ये प्रीमियम जमा करवा दो, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, मेरे को ये जमा करवा दो। पीछे से नवीन जैन जी और अतुल गुप्ता दोनों ने इशारा किया, ऐसे करके इशारा किया, वो उधर 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 करने के लिए कोई आदमी है, मैंने भी नजर उठा के देख लिया कौन है भाई, मैंने भी उसको नजरों से थोड़ा सा ऐसे कर दिया, जब मैंने उसको ऐसे कर दिया नजरों से, जब वो मेरे पास आ गया, अच्छा मेरे पास आया, मैंने कहा भाई साहब बैठ जाइए, बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब पानी लीजिए, पानी नहीं लिया उसने। मैंने कहा भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है। नहीं भाई साहब मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, देखिए मेरे को, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता मुझे प्रीमियम जमा कराने का, आप ये वाला प्रीमियम जमा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है हम ये प्रीमियम जमा कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपका प्रीमियम जमा हो जाएगा।
सो उसको अच्छा लगा। मैंने कहा भाई साहब ये प्रीमियम आप अपने एजेंट को दे देते ना, आपको स्पेशल, आपने इतना तकलीफ किया, आप यहाँ तक आए, आपको खुद जमा कराने की क्या जरूरत है। कहते नहीं हमारे तो वो जो एजेंट है वो नहीं है, वो तो मैं समझ गया उसका एजेंसी कोड मैंने देखा, मेरे को एजेंसी कोड देखते ही पता लग गया इसके जो एजेंट है इन्होंने एजेंसी का जो काम है शायद मेरे ख्याल से 21-22 साल पहले ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो मेरे को तो एजेंसी कोड देखते ही पता लग गया। मैंने उस आदमी को क्या बोला, मैंने कहा भाई साहब देखिए आजकल स्कीम आई हुई है, आपने ये वाला तो स्कीम कराया, चलो बहुत ही अच्छा का काम किया आपने, लेकिन आपको पता है आजकल एक बहुत शानदार स्कीम आई है जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, सिर्फ 50 रुपए रोज जमा करना है, ओनली 50 रुपीज पर डे आप यदि जमा करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। कहते भाई साहब क्या है, यदि कस्टमर ने हमको पूछ लिया क्या है तो हमारा आधा काम हो गया कि नहीं हो गया, क्या लगता है आपको? कस्टमर ने हमको पूछा क्या है, बिल्कुल सर आधा काम हो गया, बने में समझाने में कितनी देर लगती है। और ये बातें ऐसी नहीं है कि सिर्फ इसके लिए दफ्तर के अंदर कोई आदमी मेरे पास आए उसको बताने की जरूरत पड़े, ये एक ऐसी बात है कि आप शेयरिंग ऑटो के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था शेयरिंग ऑटो के अंदर मैंने कैसे पॉलिसी बेचा, मैंने पहले भी आपको बताया था मेट्रो के अंदर मैं पॉलिसी का मैंने कैसे बात किया। अब डेली तो मैं मेट्रो में नहीं जाता हूँ, अदरवाइज मैं डेली पॉलिसी बेच सकता हूँ। मेरे को ऐसे बहुत सारे एजेंट्स ने बताया है कि मेट्रो के अंदर उन्होंने पॉलिसी बेचा है। हमारा काम है रोजाना लोगों को इंश्योरेंस की बात करना। यदि आप शेयरिंग ऑटो में हैं तब भी बात हो सकती है। अच्छा यदि आपके पास नहीं हो सकती है, एक डिस्प्ले फाइल बना के रख लो ना, डिस्प्ले फाइल बना के रखने में क्या दिक्कत है, एक पर्चे बनवा के रख लो, 400 रुपए 1000 रुपए छपते हैं। आप शेयरिंग ऑटो में बैठते हो, आजू बाजू में 3 या 4 लोग होते हैं, जैसे ही आप बैठे हर एक के हाथ में एक एक पर्चा दे दिया, उस पर्चे के ऊपर क्या लिखा होगा, नमस्कार मेरा नाम हरिराम है, आपके लिए नई स्कीम आई है, 50 रुपए रोज जमा करो 10 लाख मिलेंगे, 100 रुपए रोज जमा करो 20 लाख मिलेंगे, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे लगेगा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, वो सारा का सारा हमारी कंपनी आपको देगी, केवल रोज का 50 रुपए जमा करने, 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख सारा हमारी कंपनी देगी, रोज का सिर्फ 50-60 रुपया जमा करने पे आपका हम पूरी गारंटी देंगे। आज आप जितना अपने परिवार को कमा के दे रहे हैं, आप रहें या ना रहें आपके परिवार को पालने की पूरी जिम्मेदारी, ऐसा करके उसके बारे में ढेर सारे इंश्योरेंस के फायदे लिखे होंगे। मुझे ये बात बताओ, जैसे ही आप शेयरिंग ऑटो में बैठे या तो जैसे ही आप बैठे, क्या बाजू वाले आदमी को ये वाला पर्चा नहीं दिया जा सकता, ये बता दो आप, दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? आप ये बताओ, आराम से दिया जा सकता है। बताओ यदि ऐसा पर्चा आपने, हाँ जी बताइए, आराम से दिया जा सकता है सर, आराम से दिया जा सकता है, जैसे ही उसमें बैठे आराम से दिया जा सकता है। समझो आप जैसे ही शेयरिंग ऑटो में बैठे और आपने ये पर्चा बाजू वाले को दिया, रिएक्शन क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो आदमी आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा? क्या कहेगा, ऐसा पर्चा आपने उसको दिया, वो आपके बारे में क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या होगा? होना क्या सर, कुछ भी नहीं, पॉलिसी बिकता है भाई, क्या बात कर रहे हो, पॉलिसी बिकता है। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है, मैंने शेयरिंग ऑटो के अंदर पॉलिसी बेचा है जी सर, और 1-2 रुपए का पॉलिसी नहीं बेचा, मैंने बाजू वाला आदमी बैठा था 15 लाख रुपए लिया उससे मैंने, क्या बात कर रहे हो यार। आप कोशिश करके देखोगे तो पॉलिसी बिकेगा ना आपका, आप कोशिश ही नहीं करके देखोगे, सिर्फ सुन लोगे तो सिर्फ सुनने से पॉलिसी नहीं बिकता है भाई, के बाद भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जो अभिमन्यु था, जो वो अपनी माँ के पेट में था, तो उसने सुना और सुन के याद रखा, और याद रखने के बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद उसने जो कुछ सुना था उसके ऊपर अमल किया। ये अलग बात है कि ठीक है उसको पूरा नॉलेज नहीं था, लेकिन आपको तो पूरा नॉलेज है, आप तो अभिमन्यु नहीं हो ना, आप तो कर सकते हो, आपको क्या समझते हैं जी सर। सो मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल है और मेरे पास ढेर सारे तरीके हैं, हर किसी आदमी को पॉलिसी बिक सकता है, और हम यदि बेचेंगे तो बिकेगा, बिना बेचे नहीं बिकता है, बेचने से बिकता है। कल मनीष जी ने भी बोला था, आप में से और कोई साथी अपना शेयरिंग करना चाहेंगे, क्या क्या एक्टिविटी आपका रहा, क्या क्या किया कल का, कितने लोगों से बातचीत हुआ या नहीं हुआ?
स्वागत करते हैं। लव फिर लंच लगा के टॉपिक नंबर वन एलआईसी एजेंट का काम क्या है, कल वाला टॉपिक है, कल हमारे पास समय कम था इस वजह से आज हम इस टॉपिक को दोबारा से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एलआईसी एजेंट का काम क्या है, आप में से कौन साथी बताना चाहेंगे? अपना माइक ऑन करिएगा, माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपके माइक्स बंद कर दिए हैं क्योंकि शोर आ रहा था। इस वजह से जूम का रूल है कि जो बोले सिर्फ उसका माइक ऑन रहे, बाकी सभी के माइक तब तक के लिए बंद रहे जब तक उनको बोलना ना हो। तो आप बोलें, सबसे पहले अपना माइक ऑन करें, उसके बाद बोलें एलआईसी एजेंट का काम क्या है। आप में से कौन साथी बोलना चाहेंगे, कौन साथी कहना चाहेंगे, अपना माइक ऑन करें और उसके बाद कहें। कल जिन्होंने बोला था वो भी बोल सकते हैं, बोलिए। सभी को बोलना है एलआईसी एजेंट का काम क्या है। आप सभी एलआईसी एजेंट हैं और एलआईसी एजेंट होने के नाते आपको पता है कि एलआईसी एजेंट का काम क्या है। अब कितना पता है कितना नहीं पता है ये तो अभी पता लग जाएगा। तो एलआईसी एजेंट का काम क्या है भाई, क्या बात है, कुछ तो बताइए एलआईसी एजेंट का काम क्या है। मनीष जी, रविराज किशोर जी, अशोक जी, मिस्टर जेम्स, देशा कपूर, हरिराम, दीपक सिन्हा जी, मैडम भी हमारे साथ हैं। एलआईसी एजेंट का काम क्या है? हेलो, एलआईसी एजेंट का काम क्या है भाई? काम ही नहीं पता होगा तो करोगे कैसे? एलआईसी एजेंट का काम पता होएगा तभी तो कर पाओगे, बताइए। मैं प्रयास करूं सर। का काम क्या? अरे सर बिल्कुल, मैंने तो आपका नाम भी लिया है कि आप बिल्कुल भूलिए। एलआईसी एजेंट का काम क्या है? एजेंट जो है सो एक मतलब मैं अब जैसे बता रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट की आपने कहा थी अपनी गवर्नमेंट चला रही है करके, पर उस गवर्नमेंट में हम लोग हैं, सारे लोग को चाहती है कि वो सेफ और सुरक्षित रखे, और सुरक्षित रखने वाले उनको ऐसी जानकारी नहीं है उनके काम का, उनके लाइफ का, उनके अपने का, अन्य अन्य कितने सारी चीजें हैं जो सुरक्षित नहीं है, वो भी खुद जो है सो सुरक्षित नहीं है। तो एलआईसी एजेंट का एक काम हो सकता है गवर्नमेंट और आपके भी उसपे जो आपके फेलो सिटीजन है उनके बीच में एक कंडुइट बन करके थोड़ा एक नॉलेज को डिसिमिनेट करना, बताना और इसके फायदे बता करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि वो स्वयं से कहें कि हमारे को ये चाहिए। भाई क्या बात है, एलआईसी एजेंट के काम बताने के कारण ये सारे के सारे चुप। कमीशन लेना खाली बस, और क्या, या कमीशन देना। एलआईसी एजेंट का काम है कमीशन देना, ओके। और अब समझ आ गया कि आपका काम आप क्या समझते हो, बढ़िया, वेरी गुड। और कोई साथी भाई, सभी को बताना है। हरिराम जी आपको भी बताना है। सर एलआईसी एजेंट का, हेलो, हाँ बताइए सर। एलआईसी एजेंट का काम है फील्ड में जाना, पब्लिक को समझाना, अपने बारे में समझाना, उनसे जो है एलआईसी करना और करवाना। जी जी, और कोई साथी? जब हम मिलेंगे तभी एलआईसी बिकेगी, मार्केट में जाएंगे समझाएंगे। बढ़िया, और कोई साथी बताना चाहेंगे? रविराज जी आप बताना चाहेंगे? या तो हरिराम जी बताना चाहेंगे, मैडम बताना चाहेंगे एलआईसी एजेंट का काम, आप क्या समझते हैं, आपके विचार। मैं सर इस आउट हो रहा हूं सर, मैं ड्यूटी जाना है मुझे, आप चलिए। हां ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार, ठीक है, ओके, थैंक यू, आप यहां पर आए, बहुत अच्छा लगा, आप ड्यूटी जरूर पहुंचिए। और एलआईसी एजेंट का काम क्या है रविराज जी, मिस्टर जेम्स? नहीं, देखिए पार्टिसिपेशन एलआईसी एजेंट की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि हमें पार्टिसिपेशन के लिए कहीं पर भी इनवाइट किया है
पहली बात तो हमें इनविटेशन के बाद तो जाना ही चाहिए, मतलब पार्टिसिपेशन करना ही चाहिए। इनवाइट नहीं भी किया है तब भी हमें पार्टिसिपेशन सब जगह हम करेंगे। एलआईसी एजेंट को नए नए कस्टमर की लगातार जरूरत है, पार्टिसिपेशन करने से नए कस्टमर मिलते हैं, और आज आप यहाँ पर मीटिंग के अंदर हैं तो आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है अलग अलग तरीके से। आजकल तो जूम पर भी कस्टमर मिल जाते हैं। पार्टिसिपेशन हम जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जितना ज्यादा तरीके से करते हैं उतना ज्यादा अच्छे कस्टमर मिल पाते हैं। सो पार्टिसिपेशन आप जरूर करें, पार्टिसिपेशन करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम देखते हैं कि एलआईसी एजेंट का काम क्या है। मनीष जी ने अभी बताया कि एलआईसी एजेंट का काम है रोज 5 नए लोगों को मिलना। फादर का काम होता है बच्चों का लालन पालन करना। पायलट का काम होता है एरोप्लेन उड़ाना। डॉक्टर का काम होता है मरीजों का इलाज करना। नर्स का काम होता है मरीजों की देखभाल करना। इलेक्ट्रीशियन का काम होता है बिजली का काम करना। प्लम्बर का काम होता है पानी का रिपेयरिंग करना, पानी के नल लगाना, पाइप की फिटिंग करना। इसी तरीके से एलआईसी एजेंट के बारे में आप सभी ने मिलकर अलग अलग तरीके के काम बता डाले, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एजेंट का काम क्या है। आइए देखते हैं एलआईसी एजेंट का काम क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, कम से कम हमें भी पता लगे एलआईसी एजेंट का काम क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है एलआईसी एजेंट का काम। तो यहाँ पर लिखा है एलआईसी एजेंट का काम क्या है। आप सभी को यदि नजर आ रहा है तो जरा ध्यान से इसमें देखें कि एलआईसी एजेंट का काम क्या है। और इसके अंदर एलआईसी एजेंट का काम नजर आ रहा है कि एलआईसी एजेंट का काम क्या है। आपका काम है दिखाना। आप में से कोई भी जरा पढ़ के बता सकते हैं आपका काम क्या लिखा है यहाँ पर, एलआईसी एजेंट का काम क्या है। आपका काम है दिखाना, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना। जी, अब इस लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन को, जी 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 जी, हर दिन 10 लोगों को, हर हफ्ते 50 लोगों को, हर महीना 200 लोगों को, हर साल 2000 लोगों को दिखाना और बीमा विक्रय करना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिन्हा जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपका काम क्या है। शुरू में आपको कामयाबी कैसे मिलेगी, शुरू में आप सक्सेसफुल कैसे होंगे, आपको संकल्प करना, संकल्प का मतलब डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। और इसमें लिखा है पहले 18 महीने, पहले 18 महीने मतलब एजेंसी के शुरू के 18 महीने। अब क्योंकि हमने इस तरीके से काम आज तक नहीं किया है तो हमें, आप ये समझ लीजिए कि हमारा 18 महीने आज से शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कि आपका काम है दिखाना लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। अब लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन में से कुछ साथियों के पास है, कुछ साथियों के पास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने से जब लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू किया तो अलग अलग तरीके की दिक्कतें आई, अलग अलग तरीके की बातें आपने उसके अंदर से सीखी, अलग अलग बातें आपको उसके अंदर से पता लगी, तो उन सभी का सोल्यूशन हमने करने का कोशिश किया। तो आप में से कोई कोई कंफर्टेबली दिखा पाए, कोई कोई नहीं दिखा पाए, जो दिखा पा रहे हैं या तो नहीं दिखा पा रहे हैं, जिनके पास लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है या जिनके पास नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप इस लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन की जगह आप थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसा भी मान सकते हैं कि रोजाना इंश्योरेंस के बारे में बात करना, इंश्योरेंस के कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया, कोई प्रेजेंटेशन, कोई किसी को पर्चा के बारे में बात करना, कोई प्रेजेंटेशन देना, कोई इलस्ट्रेशन बताना, मतलब कुछ ना कुछ देना, मीटिंग करना, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन देना। लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन तो एक बढ़िया चीज है, एक बढ़िया तरीका है। अदरवाइज और भी हमारे पास ढेर सारे तरीके हैं, उस तरीके से भी हम बीमा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हर दिन 10 लोगों को दिखाना है। अब हर दिन 10 को दिखाते हैं तब तो बहुत ही शानदार है। हमारे इनके अंदर मनीष जी नंबर 1 है नंबर ऑफ पॉलिसीज में, क्यों नंबर 1 है? अभी उन्होंने परसों वाली मीटिंग के अंदर बताया था मैं 22 नए लोगों को मिलकर आया। अभी ठीक है, कोल्ड कैनवासिंग में मिलकर आए, नए लोगों को मिलकर आए, 22 को मिले, चलो ठीक है, एक दिन 22 को मिले, दूसरे दिन कितनों को मिले हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ लोगों को मिले तो उसका पॉलिसी बिक रहा है। अब पॉलिसी बिकता है लोगों को मिलने से, लोगों को मिलते हैं तो पॉलिसी बिकता है, अदरवाइज पॉलिसी नहीं बिकता है। हमारा काम क्या है? लोगों को मिलना और उनको इंश्योरेंस के बारे में बात करना। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया, हरिराम जी ने बताया कि भाई मेरे को तो वो लोग जल्दी मिलते हैं तो इस वजह से उसको करना मुश्किल है। तो अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा लिखा है व्यवसाय विकास का समय, आपका बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए आपका क्या काम है। तो वो इधर इसके अंदर लिखा है कि आपका उसके अंदर काम क्या है, आपको उसके अंदर करना क्या है। आपका काम है हर दिन 10 लोगों को दिखाना। अब 10 तो खैर अब मैं, यदि आप अभी 10 को क्या, यदि 5 को भी नहीं दिखा रहे हैं तो मैं आपको 10 बोलूं तो शायद आपको भारी पड़ेगा,
तो मैं तो आपको 10 बोल ही नहीं रहा कि आप 10 को दिखाओ, मैं क्या बोलता हूँ कि चलो कम से कम एक को तो दिखाओ, कम से कम कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ो। अब यदि आप हर दिन 10 को दिखाते हो तो महीने में 200 हो जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप 10 नहीं तो आप कम से कम एक भी दिखाते हो, मतलब दिखाया नहीं तो चलो ठीक है। वैसे इंश्योरेंस की बात करो ना, यदि आपको लाइव प्रेजेंटेशन के थ्रू बात करने में समस्या है, अब वैसे बातचीत कर लो इंश्योरेंस की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है हर महीने 200 लोगों को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन देने के तरीके सीखना, ये एक एग्जाम्पल है। आप इस तरीके से भी चल सकते हैं, आप और किसी तरीके से भी चल सकते हैं। सवाल ये है कि आप लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अभी एक पायलट है, अभी वो एरोप्लेन उड़ाता नहीं है, बिना एरोप्लेन उड़ाए तो उसको पायलट बोलेगा कौन। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो स्क्रू ड्राइवर पेचकस प्लास वगैरह लेके अपना ये बिजली का कोई काम वाम करता नहीं है, उसको कौन बोलेगा कि ये इलेक्ट्रीशियन है। एक डॉक्टर है, वो मरीजों का इलाज करता नहीं है, वो कहता मैं डॉक्टर हूं, कौन बोलेगा उसको डॉक्टर है। आप में से किसी को कुछ कहना है इस बारे में? हेलो, बहुत शांति हो गया, क्या हो गया? नहीं शांति नहीं हुई है, आप ही कह रहे थे बात। यही जानना चाह रहा हूं कि भाई जब हम लोगों को मिलेंगे तो पॉलिसी बिकेगा, बिना लोगों को मिले पॉलिसी नहीं बिकता है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को मिलेंगे तो पॉलिसी बिकता रहेगा, लोगों को नहीं मिलेंगे तो पॉलिसी बिकना तो इम्पॉसिबल है, बिक ही नहीं सकता है। लोगों को मिले बिना पॉलिसी नहीं बिकता है, उसके लिए लोगों को मिलना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक शेयर मैंने किया था, मैंने फर्स्ट एवेन्यू का शेयर किया था, मैं अपना सिक्स्थ एवेन्यू में घर से बाहर निकला, मैंने कहा चलो आज शेयर तो लेके चलते हैं, थोड़ा पता लगे ना कि बाकी जनता किस तरीके से जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, और ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने जब किया था सब ये था कि सिर्फ जानना कि हाँ क्या शेयरिंग ऑटो में जाके पॉलिसी बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है। तो मैंने ये वाला ट्रायल ले लिया, तो मैंने ये वाला ट्रायल लेके मैंने सिक्स एवेन्यू से मैं बाहर निकला, मैंने कहा चलो ठीक है आज कार को घर के अंदर छोड़ेंगे, आज हम शेयरिंग ऑटो देंगे। तो मैं घर से बाहर निकला, तो सामने वो सिन्हा साहब को तो पता है क्योंकि इनका घर मेरे घर से 5 मिनट की पैदल डिस्टेंस पर है। तो शेयरिंग ऑटो दिया, अकेले चलोगे तो 120 रुपए लूंगा, शेयरिंग में चलोगे तो 30 रुपए लूंगा। मैंने कहा तू 30 वाला रख। अब मैं उसके ऑटो के अंदर बैठ गया। अब जैसे ही मैं उसके ऑटो के अंदर बैठा, वो कहता ठीक है मैं बाकी सवारियां बिठा लेता हूँ। मैंने कहा बिठा ले। तो वो अब क्या करती है ऑटो वाले ना, वो घुमाते रहते हैं और इधर उधर से आवाजें मारते रहते हैं, आजो आजो आजो। अब उसने आवाजें मारनी शुरू करी, आजो आजो आजो। जैसे ही उसने आवाजें मारनी शुरू करी, एक बुजुर्ग से ऐसे आके बैठ गए, 60-61 साल के आसपास एज होगी, तो आके बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, तुरंत अपने बैग से डिस्प्ले का फोल्डर निकाला, डिस्प्ले का फाइल निकाला, मैंने तुरंत उनको दिखाना शुरू किया। गले के अंदर मेरे आई कार्ड था, सर ये सर बहुत प्रधानमंत्री योजना करानी है। मैंने कहा तो ठीक है लो 15 लाख रुपए दे दो। अरे भाई प्रधानमंत्री योजना 15 लाख में होती है। मैंने कहा 15 लाख दे दो। आपने कभी ऐसे अनजान आदमी से मेरे ख्याल से 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे उससे मिले हुए 15 लाख रुपए मांगे हैं कभी आज तक? कोई भी बोलकर बताइए, आप बोल सकते हैं, बोलिए क्या बात है। कोई आपका पार्टिसिपेशन नहीं है। हम लोग सुबह मिल लेते हैं, वो ठीक है मैं जबरदस्ती आपको बोलता हूँ आज ना, जबरदस्ती आप ही जाते हो। पार्टिसिपेशन के बिना क्या है? आपको भी पूरा पता नहीं है। मैंने 15 रुपए नहीं चलता है, लेकिन हाँ थोड़े दिन में उस आदमी ने मुझे पहले 6 लाख का चेक दिया, फिर 9 लाख का चेक दिया, टोटल उसने मुझे 15 लाख का चेक दिया। मिलन कुमार मंडल, तो क्लाइंट का नाम भी बता देता हूँ, फर्स्ट एवेन्यू में रहते हैं, घर के सामने वाली सोसाइटी है, इनको सिन्हा साहब को पता है, सिन्हा साहब के सोसाइटी के पीछे वाली सोसाइटी है। मुझे बताओ मैं यदि ले सकता हूँ शेयरिंग ऑटो के अंदर पैसा, आप क्यों नहीं ले सकते? आपके अंदर कोई कमी थोड़ी ना है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हूँ। आपका काम एलआईसी पॉलिसी बेचना है, मेरा काम एलआईसी पॉलिसी बेचना नहीं है।
आपको प्रॉब्लम क्या है लोगों से बात करने में, प्रॉब्लम है लोगों से बात करने में, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बताना चाहेंगे साथी। ऐसे वैसा है कर वो आपको जब कोई जाने नहीं, आप उनको दो चार एक बार मुलाकात करी होगी, क्योंकि आप रहते हैं भाई सिक्स एवेन्यू में और वो फर्स्ट एवेन्यू आकर तो फिर करते करते फिर नो। मैंने जब उनसे पहली मुलाकात करी मैं उनको जानता नहीं था। वो मेरे पास स्टेडियम में जैसे ही मैंने तुरंत अपने बैग में से फाला डिस्प्ले फाइल निकाला, देखिए ये किसी का पहना आया शानदार। कल मैं सर इनको सुन रहा था, हेलो हाँ सर, कल मैं इनको सुन रहा था, हो जाता है, आ जाता है पैसा बिल्कुल आता है, हमें थोड़ा सा कोशिश करने की जरूरत है, पैसा तो आ जाता है बिल्कुल सर, ठीक बोल सर। एनीवे आप यदि यदि आप अनजान से बात करना सीख गए, मैं गारंटी देता हूँ आपको हर महीने MDRT करने से कोई नहीं रोक सकता, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। LIC एजेंट के फेल होने का सबसे बड़ा एक ही कारण है, नए लोगों से बात नहीं करना। हमारा दूसरा टॉपिक, समय हमारे पास कम है, 2 मिनट आखिरी के बचे हुए हैं, तो दूसरा टॉपिक, दो नंबर टॉपिक हमारा आज का है, मैंने MDRT कैसे करी। मैंने का मतलब किशन भट्ट ने, किशन भट्ट आप ही ब्रांच के एजेंट है, 126 के एजेंट है, अभी अभी उन्होंने 2020 के अंदर MDRT करी है, और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो संडे को आ रहे हैं किशन भट्ट 10 बजे, तो संडे की मीटिंग में आप में से कौन कौन साथी रहेंगे, आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाथ हिला के थोड़ा सा बता दें, या तो हाथ हिला के बता दें तो थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि हाँ आप रहेंगे। ठीक है, बढ़िया, तो किशन आप भी आएंगे, बढ़िया, वेरी गुड। तो किशन भट्ट जी ने बोला है मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे 126 ब्रांच के साथियों की जिंदगी कि दुकान पे खड़ा हो जाता हूँ, दुकान पे जितने मतलब किसी की भी दुकान पे आ जाता हूँ तो दुकानदार वैसा कि जो कस्टमर आ रहे हैं मैं इनको थोड़ा सा बात कर सकता हूँ, कोई भी दुकानदार मना नहीं करता। मैं अपने आजू बाजू के किसी के पास चला जाता हूँ, उसको बोलता हूँ वैसा मैं आपकी दुकान पे खड़े होकर इंश्योरेंस की बात कर लूँ, कि यहाँ पर सुबह की मीटिंग में आधे घंटे की मीटिंग में मेरे ख्याल से शायद 27 मिनट तो मैं ही बोलता रहता हूँ, तो जो कि बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे अच्छा लगेगा यदि आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करें। और आज का प्रोग्राम कैसा रहा, हमारा टाइम हो रहा है, आप में से कौन कौन साथी बताना चाहेंगे आज आपको क्या क्या अच्छा लगा। सर गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, क्या हाल है आपके। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मेरे को सर एक टॉपिक अनजान लोगों से सर कैसे, मतलब अनजान लोगों से सर बात करके उनसे पैसा मांगना, उनके बीमा करना सर, ये बहुत अच्छा लगता है। और सर सुबह सुबह मैं भी जाके सर अपने अभी सर 3 प्रोस्पेक्ट सर बात करके आया हूँ, उनका कॉन्टेक्ट नंबर सर एड्रेस वगैरह सब कुछ ले आया हूँ उनके पास से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मॉर्निंग वॉक करता हुआ सर उनके सर अब कार्ड ले जाता हूँ अपनी जेब में, सर उनको कुछ देता हूँ, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, छोटे काम हो जाता है सर। और कल भी सर एक बीमा सर मैंने किया है, बाकी सर उसका डाउन पेमेंट सर कोई आ गया सर, बाकी पेमेंट आना बाकी है अभी जी। सर एक मैंने 3500 रुपए सर महीने पॉलिसी किया सर कल शाम को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया। और एक चीज अच्छा लगा सर, अनजान लोगों से बीमा आता है सर, पर उनसे बात करने का हमारा ही साहस होना चाहिए, हम पहले कदम उठाएं तो बात बन जाती है। हर कोई बात करने को तैयार है, वो क्या होता है कि पहले तुम के अंदर ना हम लोग मामा बन जाते हैं, मामा बन जाते हैं, इतनी बार इंतजार करती रहती है ये लड़का मेरे से बात करेगा, हम करते नहीं है, वो लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, वो उसके बाद कल को उसके बच्चे मिलते हैं तो लड़की कहती है बेटा ये मामा है, तो हमें पति बनने का मौका मिला था लेकिन हम नहीं बने क्योंकि हमने उस लड़की को बात नहीं किया, अल्टीमेटली हमको मामा बनना पड़ता, तो मामा बनो मत, पति बनने का मौका मिल रहा है, मामा मत बनो। और कोई साथी, और कोई आपको क्या अच्छा लगा, और कुछ आप बताना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में क्या क्या पसंद आया आपको, क्या क्या अच्छा लगा, कोई भी साथी, दीपक सिन्हा जी, रविराज जी, देशराज जी, या तो हरिराम जी। आज के जो सो सेशन है एक ही तो मैं आई है,
इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग कुछ ऐसा कीजिए कि शुरुआत कर दीजिए, जब तक कि आप बात नहीं करेंगे। वो लड़की वाली जो एग्जांपल आपने दिया बिल्कुल मखौल गुजरती है, जहाँ ये ऐसा है कि हमें हमें उसे मिलने का मतलब भी होता है, मन भी करता होता हो कि हम चलो उससे बात कर ले एक बार को है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ सोच रहे हो, झिझक रहे होंगे, यार क्या बात करें, हम तो ऐसे हैं, हम तो शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, तो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना करके किसी से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एक आइस, उसको कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, वो करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हर से आप बात कर रहे हैं जिससे तो वो हो ही जाए, पॉलिसी है जिससे आप बात कर रहे हो उससे शादी हो ही जाए, ऐसे ऐसा नहीं है। आपको ब्रेक ऑन करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सब ब्रेक द आइस करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, ये चीज है। और ये मायने रखती है, मतलब ये समझना पड़ता है, समझ वाली बात है। ऐसा ऐसा मेरे हिसाब से तो मैंने यही समझा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कुछ कोई बताना चाहेंगे, कोई भी? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अभिराज जी, बताएं। नमस्कार, बताइए। LIC की एजेंसी नंबर गेम है सर। नंबर गेम है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बोला, बिल्कुल ठीक बोला जी। जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा तरक्की होगी। ओके, जितने लोगों को बीमा समझाएंगे, बढ़िया। और हाँ, और बस, और मिलते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे। मिलना बंद, आगे बढ़ना बंद। बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। बढ़िया, जितने भी टॉप एजेंट हैं, सक्सेसफुल एजेंट हैं, उन्होंने एक ही काम बढ़िया किया है, रोजाना नए लोगों को मिल रहे हैं, रोजाना नए लोगों को मिल रहे हैं, वो पक्का कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमने 10-20 दिन से नहीं किसी से मिला, बीमा नहीं हुआ, अब मिलेंगे, बीमा होगा, मिलेगा तभी होगा, ठीक बात है। ये बात तो है, ठीक है। और कोई साथी बोलना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और क्या अच्छा लगा? अच्छा, क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे कोई भी साथी? आपको क्या क्या अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में? सो कल हम दोबारा से मुलाकात करेंगे, आप यहाँ पर आए, बहुत ही लगा, बहुत बढ़िया लगा। सो कल दोबारा से मुलाकात करेंगे, सुबह सुबह एक छोटी सी मुलाकात, एक बढ़िया सी मुलाकात, कुछ और अच्छा सा टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। संडे का ध्यान करिए, संडे को सुबह 10 बजे आने वाले हैं, आप इसी ब्रांच के साथ ही हैं, किशन भट्ट भी हैं, MDRT उन्होंने क्वालिफाई किया। MDRT का मतलब 12 लाख रुपए कमीशन, लाख रुपए महीना कमीशन। कैसे किया है? नंबर गेम खेल खेल के किया है। सो संडे को हम जरूर मिलेंगे, इसके पहले कल वाला प्रोग्राम भी है, कल शनिवार है, तो कल भी सुबह आप जरूर आइएगा। कल भी हम एक धुआंधार बढ़िया सा शानदार डिस्कशन करने वाले हैं, तो कल आप जरूर आए। सो बाय बाय, सी यू, गुड डे, शब्बा खैर। आपका आज का पॉलिसी जरूर मिले, भगवान से प्रार्थना यही है कि आज का आपका पॉलिसी बिकना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिसी आपका आज बिकना ही चाहिए। बाय बाय, सी यू, गुड डे, बाय बाय।